पहली बार निकला जब मैं गांव से शहर, पहली बार निकला जब मैं गांव से शहर, मानो माँ की आंखों में उतर आया समंदर। पहली बार निकला जब मैं गांव से शहर, मानो माँ की आंखों में उतर आया समंदर। आंखें पिता की भी लाल थी मगर रोए नहीं, आंखें पिता की भी लाल थी मगर रोए नहीं। ना जाने मर्द को रोने में लगता है क्या डर, न जाने मर्द को रोने में लगता है क्या डर। यहां आया देखा दौड़ लगी थी, यहां आया देखा दौड़ लगी थी, वक्त को पीछे छोड़ने की होड़ लगी थी। यहां आया देखा दौड़ लगी थी, वक्त को पीछे छोड़ने की होड़ लगी थी। और जो लोग गांव से, उन्हें पता है कि गांव में उठने के लिए अलार्म नहीं लगाने पड़ते, गांव में चिड़ियों की चहचहाट से आदमी उठ जाता है। तो यहां आया देखा दौड़ लगी थी, वक्त को पीछे छोड़ने की होड़ लगी थी। इंसान तो क्या यहाँ पशु पक्षी भी व्यस्त है, इंसान तो क्या यहाँ पशु पक्षी भी व्यस्त है, सुबह चिड़िया के पास चहचहाने का भी नहीं वक्त है। इंसान तो क्या पशु पक्षी भी व्यस्त है, सुबह चिड़िया के पास चहचहाने का भी नहीं वक्त है। पूरा दिन थक कर के जब रात होती थी, पूरे दिन थक कर के जब रात होती थी, तब जाके माँ से बात होती थी। थक करके सो जाता था मैं आंचल में उनके, जब गांव में माँ मेरे साथ होती थी। और आगे कहानी में थोड़ा सा मोड़ आ रहा है, ये पूरी एक कहानी है, एक सच्ची कहानी है, आप लोग अगर कनेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और एकदम रियल स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ एक कविता के थ्रू, और मैं दुआ करूँगा किसी भी के भी साथ ये कहानी हकीकत ना बने, तो आप लोग अपना जरूर वक्त दीजिए इसके लिए। धीरे धीरे माँ की दुआ असर लाने लगी, धीरे धीरे माँ की दुआ असर लाने लगी, सामने वाली खिड़की पे चांद नजर आने लगी। धीरे धीरे माँ की दुआ असर लाने लगी, सामने वाली खिड़की पे चांद नजर आने लगी। जिसे बस देख कर खुश हो जाया करता था, वो भी मुझे देख कर मुस्कुराने लगी। जिसे बस देख कर खुश हो जाया करता था, वो भी मुझे देख कर मुस्कुराने लगी। माँ से प्यार बहुत था, माँ से प्यार बहुत था, मगर वक्त का अभाव होने लगा। माँ से प्यार बहुत था मगर वक्त का अभाव होने लगा, दिन भर ऑफिस और रात को मोहब्बत का प्रभाव होने लगा। मैं ठीक हूँ माँ मगर व्यस्त हूँ यहाँ, मैं ठीक हूँ माँ मगर व्यस्त हूँ यहाँ, ये बोलकर फोन काट देना मेरा स्वभाव होने लगा। मैं ठीक हूँ माँ मगर व्यस्त हूँ यहाँ, ये बोलकर फोन काट देना मेरा स्वभाव होने लगा। और जितने भी लोग अपनी मम्मी का फोन काट देते हैं एक लड़की के लिए, वो लोग शायद अगली जो मैं पंक्तियाँ सुना रहा हूँ उसके बाद कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा समय अपनी माँ को दें, क्योंकि सबको पता है जो माता पिता होते हैं उनकी उम्र हमसे ज़्यादा होती है। तो एक ऐसा वक्त आता है जब माता पिता की उम्र हो जाती है तो एक दिन वो वक्त लौट के नहीं आता। सूरज अभी निकलना था कहीं उजाला नहीं, सूरज अभी निकलना था कहीं उजाला नहीं। इस वक्त पापा का फोन, हैरानी बहुत हुई। सूरज अभी निकलना था कहीं उजाला नहीं, इस वक्त पापा का फोन, हैरानी बहुत हुई। भारी गले से उन्होंने ऐसी बात कही, न सर पे आसमान न पैर में जमीन। सन्नाटा छा गया था सुनकर, बेटा माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सन्नाटा छा गया था सुनकर, बेटा माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो दोस्तों ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी माँ को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको समय नहीं देते, सोचते हैं माँ कहाँ जा रही है यार, लड़की नहीं जानी चाहिए, माँ तो यहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि माँ की मोहब्बत को हम लोगों ने सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है। आपकी शक्ल चाहे जैसी भी है, बाहर कोई आपको देखना नहीं चाहता, आपकी हुनर चाहे आपके अंदर कोई भी नहीं है, फिर भी आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार आपकी माँ करती है, उसकी कदर कीजिए। और एक सजेशन भी लास्ट में देना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है वो, कि जब वो पूछती है बेटा तू कैसा है, जब वो पूछती है बेटा तू कैसा है, उनसे भी उसका हाल पूछा करो। जब वो पूछती है बेटा तू कैसा है, उनसे भी उसका हाल पूछा करो। जब पूछे बेटा खाना खा लिया ना, उनसे भी पलट के ये सवाल पूछा करो, उनसे भी पलट के ये सवाल पूछा करो। क्योंकि हम लोग कभी अपनी माँ से नहीं पूछते, मम्मी आपने खाना खाया, हमेशा माँ ने पूछ लिया खाना खा लिया, जवाब दे के फोन रख, सोचते कितनी जल्दी फोन कट जाए। तो जिन लोगों को माँ नहीं होती ना, उन लोगों को चीज़ें समझ में आती है। तो अंत में ये बताना चाहूँगा कि जिनकी माँ नहीं होती उनके साथ क्या ज़िंदगी में बीतती है,
कि सोने चांदी मिल जाएंगे, सोने चांदी मिल जाएंगे, पर वो दुआ कहाँ मिलेगी। सोने चांदी मिल जाएंगे पर वो दुआ कहाँ मिलेगी। बाकी तो सब कुछ खरीद लूंगा पर माँ कहाँ मिलेगी। बाकी तो सब कुछ खरीद लूंगा पर माँ कहाँ मिलेगी।